इसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल चेंज करने वाले हैं। सारी सीरीज में जो होंगी वो होंगी बिल्कुल यूनिक, यहाँ आप देख सकते हो वाइजर। इसके अलावा यहाँ पर आरसी वाले लीवर्स का सेट जो कि एडजस्टेबल वाले हैं कुछ, और इस साइड में भी है। यहाँ पर आप देखते हो उसकी डिस्प्ले जो उसकी स्टॉक आती है उसको हटाकर यहाँ पर लगा रहे, जो बहुत ही बेहतरीन लुक देती है। आता है कुछ इस तरीके से आप लगाने वाले हैं ये वाला जो कि ये ट्रांसपेरेंट है, और ये कुछ इस तरीके से बहुत ही जबरदस्त लुक देने वाला है। इसके अलावा एग्जॉस्ट है आरसीबी वाला, वो कि फुल एग्जॉस्ट सिस्टम जरा प्रॉपर इसमें ये लगा दिया गया, उसके बाद लगेगा ये बहुत ही ऑसम लुक देता है। तो रेयर टायर मड फ्लैप है जो कि इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त लुक देने वाला है। तो इसकी जरूरत खत्म है क्योंकि यहाँ पर मोनोशॉक लगा दिया, देख सकते हो आप, जब लगेगा ना तो भाई अलग ही लेवल का लुक यहाँ पर किसी अनप्रोफेशनली अनट्रेंड बंदे से बिल्कुल ना कराए। तो रेडिएटर गार्ड भी इंस्टॉल है जो कि कुछ इस तरीके से लुक दे रहा है। तो टायर आप देख सकते हो ये 140 नंबर का है और ये 110, बट ये लगाने वाले ये 150 का हो गया और ये है 120, तो काफी ज्यादा फैट और बल्कि लुक आएगा। एयर फिल्टर जो कि BMC का है, ये देख सकते हो गाइस। तो यहाँ पर एयर फिल्टर जो है कुछ इस तरीके से इसमें इंस्टॉल कर दीजिए बस, तो भाई बहुत ही जबरदस्त लगेगा। देखो बहुत ज्यादा फैट लग रहा है यार, ये आगे का तो हो चुका है इंस्टॉल, काफी ज्यादा बल्कि लुक दे रहा है आगे। यूं तो यामाहा एरोक्स 155 पर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें ऐसा कुछ नहीं है मैंने छोड़ा, उसमें एवरीथिंग सब कुछ कवर अप कर चुका हूँ मैं, चाहे उसकी टूरिंग सीट हो, क्रैश गार्ड हो, या फिर उसके वाइजर, लीवर गार्ड्स, लीवर्स। इसके अलावा गाइस इसमें एग्जॉस्ट हो गया, PPF लैमिनेशन हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आप कवर कर चुका हूँ। और आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल यूनिक है, डिसेंट मॉडिफिकेशन, ऐसा देखने से लगेगा नहीं कि इसमें कुछ मॉडिफाइड किया गया, क्योंकि इसका जो मॉडिफिकेशन है वो जेन्युइन मॉडिफिकेशन है। और इसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से जो है यहाँ पर मंगाया गया, इस पर इंस्टॉल किया गया है। फैट टायर इंस्टॉल किया गया जो कि फ्रंट और आपका रियर टायर है, जो उसका आता है साइज़ उससे थोड़ा सा साइज़ बढ़ाकर उसमें इंक्रीज़ कर दिया, जिससे कि उसकी कुल लुक जो है ना भाई एकदम जिस तरीके से ये देख सकते हो आप टायर, तो कुछ इसी तरीके का लुक आ रहा है, बहुत ही बल्कि लुक आ रहा है एरोक्स में। और गाइस इसमें जो है मोनोशॉक इंस्टॉल किया गया, जो उसके सस्पेंशन आती है उसको हटाकर उसकी जगह मोनोशॉक इंस्टॉल किया है, अंडरबेली टेल इंस्टॉल किया जो बहुत ही जबरदस्त लुक दे रही है। ये जो वीडियो है ये काफ़ी बेस्ट होने वाली है, काफ़ी क्वेश्चन होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉडिफिकेशन होने के बाद एरोक्स में ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि इसमें कुछ मॉडिफाइड कर दिया है, जैसे बहुत ज़्यादा ना दिखता है दूर से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डिसेंट मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि इसमें वाइजर इंस्टॉल किया है, एडजस्टर वाले लीवर्स का सेट इंस्टॉल किया है, इसके अलावा मोनोशॉक इंस्टॉल किया जिसमें दो सस्पेंशन आते हैं उसको हटाकर एक सिंगल मोनोशॉक, इसके अलावा रेयर टायर मड फ्लैप इंस्टॉल किया है, और इसके अलावा फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, अलावा फैट टायर, और भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज है जैसे कि इसमें एयर फिल्टर वगैरह हो गया, और एयर फिल्टर का कवर जो कि ट्रांसपेरेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी करना क्योंकि आपको भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो लाता रहता है। और गाइस बता दूं मैं आपको कि इस तरीके की वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग चाहते हो अपनी एरोक्स में कुछ कराने के लिए, तो गाइस ये जो पार्ट है जैसे कि आपको पता है कि इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया, यानी कि ये आउट ऑफ इंडिया से सामान आया, तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि आपको ये सारा सामान शॉप पर मिले। बाकी डिस्क्रिप्शन में से नंबर निकाल के एक बार कॉल और व्हाट्सअप जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने देखा स्टार्टिंग में लास्ट वीडियो हम बना चुके थे इसका, बट उसमें कुछ छोटी सी मॉडिफिकेशन थी जैसे कि इंडिकेटर वगैरह हो गया, इसके अलावा डिस्प्ले हो गई, बट आज जो मॉडिफिकेशन होने वाली है वो काफ़ी अलग होने वाली है क्योंकि इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल चेंज करने वाले हैं। सारी सीरीज में जो होंगी वो होंगी बिल्कुल यूनिक, जैसे कि आप देख सकते हो वाइजर। इसके अलावा यहाँ पर आरसी वाले लीवर्स का सेट जो कि एडजस्टेबल वाले हैं कुछ इस तरीके से, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो जो कि इस साइड में भी है और इस साइड में भी है। और इसके अलावा जैसे कि लास्ट वीडियो में दिखाया था मैंने आपको, यहाँ पर आप उसकी डिस्प्ले जो उसकी स्टॉक आती है उसको हटाकर यहाँ पर लगा रहे कि जो बहुत ही बेहतरीन लुक देती है, और ये स्टॉक से थोड़ी सी बड़ी है। तो ये है इसका एयर फिल्टर जो कि आता है कुछ इस तरीके से आप लगाने वाले हैं, ये वाला जो कि ये ट्रांसपेरेंट है, और ये कुछ इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त लुक देने वाला है। इसके अलावा एग्जॉस्ट है आरसीबी वाला, वो कि फुल एग्जॉस्ट सिस्टम जो कि कुछ इस तरीके से, जैसे उसका बैंड पाइप्स वगैरह प्रॉपर इसमें ये लगा दिया गया, उसके बाद लगेगा ये बहुत ही ऑसम लुक देगा। और स्टेनलेस स्टील में है, साउंड तो उसका सुनाएंगे वो मज़ेदार होगा लास्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेयर टायर मड फ्लैप है जो कि इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त लुक देने वाला है। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से जो इसके सस्पेंशन आते थे कुछ इस तरीके से, तो ये हटा दिए, ये देख सकते हो इसकी ज़रूरत खत्म है क्योंकि यहाँ पर मोनोशॉक लगा दिया, ये देख सकते हो आप, जैसे ये वाला जो एरिया फ्री रहेगा बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगा। और एग्जॉस्ट जब लगेगा ना तो भाई अलग ही लेवल का लुक यहाँ पर आने वाला है, और ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी इसका लुक आ रहा है। और इस तरह के काम जो होते हैं बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, तो किसी अनप्रोफेशनली अनट्रेंड बंदे से बिल्कुल ना कराए, क्योंकि इसको आपको पता है खोलने में सब कुछ निकालना पड़ता है, जैसे बैटरी डिक्की वगैरह सब कुछ खोलना पड़ता है उसका, इस तरीके के काम जो होते हैं वो इजीली नहीं हो पाते, तो आप प्रोफेशनली से करवाना। और यहाँ पर आप देख सकते हो रेडिएटर गार्ड भी इंस्टॉल है जो कि कुछ इस तरीके से लुक दे रहा है। एक ही देख सकते हो गाइस ये अंडरटेल है जो कि कुछ इस तरीके से लग चुका है, बाकी इंस्टॉलेशन के बाद बहुत ही जबरदस्त लुक देगा ये। तो ये इसके लीवर जो है, ये है इसके स्टॉक, ये है इसका स्टॉक वाइजर। तो जी गाइस बात करता हूँ टायर की, तो टायर आप देख सकते हो ये है 140 नंबर का, और अगला टायर है और ये 110, बट अब ये क्या है, ये स्टॉक है, आप चेंज करके ये लगाने वाले हैं, ये 150 का हो गया और ये है 120, तो काफ़ी ज़्यादा फैट और बल्कि लुक आएगा, ये देख सकते हो आप। तो अभी करते हैं फिट और फिर दिखाते हैं फाइनल पे, अभी आप देख सकते हो कि आफ्टर एंड बिफोर आपको आइडिया हो सके कि लुक कैसा आ रहा है। तो नेक्स्ट है गाइस आप देख सकते हो इसका ये एयर फिल्टर जो कि BMC का है,
और इसको निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो, तो ये है इसका फिल्टर, ये देख सकते हो गाइस, तो ये भी इसमें ऐड करने वाले हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity. So, दोस्तों आप देख सकते हो अभी कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है इसका, और रेंडर वैली का भी आप लुक देख सकते हो, ये वाली लुकिंग अभी इसकी आ रही है। यहाँ से ये खुला ही रहेगा तो बहुत ही जबरदस्त लगेगा। ये जो रेडिएटर का जो ग्रिल है ना, ये बहुत ही ऑसम लुक दे रहा है यहाँ से। और अभी अंदर से कुछ इस तरीके से, अब इस पर डिक्की वगैरह लगा के शटर लगा के फिर देखते हैं कैसा लुक आता है इस पर। सो अभी के सिनेरियो में क्या है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर एयर फिल्टर जो है कुछ इस तरीके से इसमें इंस्टॉल कर रही है, जो कि इसकी प्रॉपर फिटिंग है। और रेड कलर का होने की वजह से जब ये ट्रांसपेरेंट कवर लगेगा ना, लगाना एक बार इस पर, तो भाई बहुत ही जबरदस्त लगेगा। देखो ये देखो गाइस, अब आया इसमें लुक, ये लो जी, लग तो बहुत ही जबरदस्त रहा है। देखो यहाँ से भी ये, इससे पता चल जाएगा भैया आपको कि भाई फिल्टर कब खराब हो रहा है, कितना गंदा है, सब पता चल जाएगा इसमें से। और लुक कुछ इस तरीके से, अभी देखो इसको डे में निकालोगे ना बहुत जबरदस्त लगेगा। टायर दिखाना एक बार, बहुत ज्यादा फैट लग रहा है यार ये। आगे का तो हो चुका है इंस्टॉल, जो काफी ज्यादा बल्कि लुक दे रहा है आगे से, बाकी यहाँ से भी देख सकते हो आप। बसल का सीधा कर दीजिए, सिंगल हेड रहेगा, सिंगल ये नहीं, इसमें प्लेट लगी हुई है। अगर सिंगल होता कितना अच्छा लगता है, यही ऐसे आ जाए, बहुत गैप है भाई साहब। अगर इसका ये वाला पार्ट हट जाए तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा इसमें, लेकिन इस मजे के लिए बहुत कुछ करना पड़ जाएगा। सो गाइस, ये सारा एरोस का सामान जो निकला है इसमें, और जैसा कि आप देख ही सकते हो ये बैक साइड का इसमें इंडिकेटर वगैरह लगे होते हैं, तो ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया, इसके अलावा ये कवर हो गया, ये देख सकते हो, ये इसका एयर फिल्टर भी चेंज है। और यहाँ पर आप टायर देख सकते हो, जो कि रियर टायर और फ्रंट टायर, ये दोनों लगा दिए गए। इसके अलावा सस्पेंशन हो गया, ये इसकी चेसी हल्की सी कटिंग की गई, इसके अलावा ये बैक का मडगार्ड हो गया, ये फुल एग्जॉस्ट सिस्टम। तो ये सारा सामान इसमें निकल चुका है, और अब दिखाते हैं कि कंप्लीट पे कैसा लुक आया है। सो गाइस, फाइनल होने के बाद आप देख सकते हो एरोस का कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। जैसा कि आपने यहाँ फ्रंट में आप दिखाऊं, मैं अगर आपको तो इसका करता हूँ इग्निशन ऑन और फिर आपको दिखाता हूँ लुक। जैसे कि मैंने इसका इग्निशन ऑन करा, तो यहाँ पर आपको यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी, इसके DRL जो कि इग्निशन पे ही कुछ इस तरीके से है, जो मैंने लास्ट वीडियो बना चुका हूँ इंडिकेटर की, बट मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। और यहाँ पर इंडिकेटर दोगे तो कुछ इस तरीके से लुक आएगा इसका। ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, और इसकी प्रॉपर फिटिंग है इसकी, क्योंकि जेन्युइन इसका ही है। ये देखो भाई, इसके अलावा यहाँ पर वाइजर आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसमें हल्की सी ट्रांसपेरेंसी है जो और ज़्यादा इसको लुक एनहांस कर देती है। लीवर आप देख सकते हो यहाँ पर, जिसको आप यहाँ से स्विच कर सकते हो कुछ इस तरीके से। कुछ लोगों की फिंगर शॉर्ट है या लॉन्ग है, तो कुछ इस तरीके से वो अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर ओवर नहीं है, परफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर दिया, ऐसे मॉडिफिकेशन हो भी गई, और यहाँ से आपका जो है लग भी नहीं रहा कि मॉडिफिकेशन कर दी। ये देख सकते हो आप, तो ये लीवर होगा। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया इंडिकेटर, और यहाँ पर आप देखते हो इसकी डिस्प्लेट जो कि पूरी चेंज है। और इसकी जब डिस्प्लेट आप ये लोगे तो साथ में ये पूरा सेटअप आता है यहाँ से, ये चीज़ नहीं रहेगी, ये चीज़ रहेगी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इसको लुक को कर देती है इनहेंस। और फ्रंट में अगर मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा टायर। तो ये टायर है इसका, जो टायर इसमें लगा हुआ आता था वॉलेट टायर, ये देखो इस
क्योंकि जब ये लगता है तो और ज़्यादा पतला रहता है, कुछ इस तरीके से जाता है। बट अब क्या है, अब यहाँ पर लगा दिया है। तो ये है गाइस 110 नंबर का, और अभी लग गया है 120 नंबर का। ये देखो यहाँ से पैरेली का है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखो 120 80, ये देख सकते हो आप, बहुत ही ज़बरदस्त। अब चलते हैं बैक साइड में और यहाँ दिखाते हैं लुक। ओए होए होए होए, क्या कहने भाई साहब। ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है भाई। ये देखो गाइस, तो यहाँ देख सकते हो इसकी जो अंडरटेल है, ये कुछ इस तरीके से लुक जो है इसका आ रहा है। और अगर आप सोचो कि इसको ना लगाओ तो सब अंदर का सारा सामान दिखेगा, तो बेकार है। इसको लगाना जरूरी है अगर आप इस तरीके का सेटअप कराना चाहते हो। ये देखो, और यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर रेटर का जो है मड फ्लैप लगा दिया, जो कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है इसका। और यहाँ से देखो, बहुत ही किलर, बहुत ही ऑसम। और जैसे आपने देखा होगा, जैसे इंडोनेशिया थाईलैंड में, तो उसी हिसाब उसी कॉन्सेप्ट की बन चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका रेडिएटर गार्ड, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रहा है, यहाँ से खुल चुका है। बाकी सारा सामान मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पर निकाल दिया। और अब देखो इसका फैट टायर, ये देखो, ये भी पैरेली का है और ये है 150 70। ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त भाई, डिटेल में देख सकते हो आप, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका। और यहाँ पर जो एग्जॉस्ट मैंने आपको दिखाया था, तो वो इसलिए लगाया, बहुत ज़्यादा लाउड था। मतलब आपने इसको स्टार्ट कर दिया ना, तो बहुत ज़्यादा लाउड रेस दोगे तो फिर क्या ही कहने। तो इसीलिए यहाँ पर R1 नंबर वाला लगवा दिया है। और बैंड पाइप सिस्टम आप देख सकते हो पूरा लगा रखा है, सब प्रॉपर फुल एग्जॉस्ट इसका वहाँ से निकाल रखा है। तो मैं सुनाता हूँ उसका साउंड कैसा आता है एक बार। बहुत ही जबरदस्त। तो इसके अलावा यहाँ आप देखोगे तो जो इसका कवर था, यहाँ पर आप देखते हो जैसा कैसा, आप देखते हो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट फिल्टर कवर है, जो बहुत ही ऑसम लुक दे रहा है। और इसको जब आप डे में इसको निकालोगे ना बाहर, तो भाई अलग ही दिखेगा, इसमें जो 3D इफेक्ट देगा और बहुत ही जबरदस्त लगता है। बाकी कुछ इस तरीके से आता है ये वाला, तो ये जो है ये भी अपने आप में अच्छा है, लेकिन ये भी काफी बेस्ट है, लुक को काफी ज्यादा एनहेंस कर देता है, ये देख सकते हो यहाँ पर। और टायर दो कितना ज़्यादा बल्कि है यार, कसम से। ये वाला सेटअप जो है ना भाई, यहाँ पर आने के बाद पूरा पैसा वसूल हो जाता है। देखो, तो मैं दिखाता हूँ आपको बैक लाइट पीछे की। और बैक लाइट जैसे ही आप इग्निशन करोगे तो इसमें DRL होगा। मैं पहले इसका इंडिकेटर ऑफ करता हूँ, पहले DRL देखो इसका। ये देखो भाई, एक नंबर भाई, जैसे ही आपने इंडिकेटर दिया, ये देखो। तो ये तो हो गया इंडिकेटर पे, जब ब्रेक लगाओगे ना आप, तो ब्रेक पे अलग है, यानी कि आपको इंडिकेटर की इसमें जरूरत नहीं है, ये इंडिकेटर का ही वर्क करेगा। बस यहाँ पर टेल टाइटी लगेगी और आपका नंबर प्लेट होल्ड हो जाएगा। तो ये मैंने अभी इसलिए इंस्टॉल नहीं की क्योंकि यहाँ पर लुक दिखाना था आपको। तो ये देख सकते हो आप, और यहाँ से देखो कितना बड़ा टायर है, एक आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो पूरा इसमें आ रहा है इस तरीके से। तो और सब कुछ मैंने कवर कर ही दिया है, कुछ रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी बहुत सारी वीडियो है।